उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। कोयले की कमी की वजह से करीब 2000 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद करनी पड़ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती भी की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में भी कोयले की आपूर्ति बंद होने के चलते बिजली प्लांटों में संकट गहरा गया है। कोयले की भरपूर मात्रा न होने के कारण बिजली प्लांटों की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। बिजली प्लांटों की कई इकाइयां एक साथ बंद होने के चलते इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बिजली कटौती के चलते लोगों में त्राही त्राही मच गई है। तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों से बिजली आपूर्ति ठप होने के चलते अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के SDO ने लोगों से एक सप्ताह तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित न होने तक सहयोग करने की अपील की है। ये लोडशेडिंग जो डेली रात्रि में की जा रही है ग्रामीण क्षेत्र की 4 से 5 घंटे इसका कारण मुख्य कारण है कि कोयले की जो उपलब्धता है सप्लाई है कम हो गई है। सप्लाई कम होने के कारण जो हमारे जो जनरेशन के जो पावर प्लांट हैं उनमें हमारी बिजली की जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हो गया है। कई इकाइयाँ हमारी बंद हो गई हैं जिनसे जो है बिजली की कम उपलब्धता हो पा रही है। तो बिजली कम उपलब्ध होने के कारण जो है हम पूरा लोड जो है एक साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो बारी बारी से रोस्टिंग की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों की जिससे हम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि लगभग एक सप्ताह के लिए में जो है कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी और जैसे ही कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा विद्युत आपूर्ति भी सामान्य सुचारू रूप से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग लगभग 17,000 मेगावाट है, लेकिन मौजूदा समय में 15,000 मेगावाट के आसपास बिजली उपलब्ध है, जबकि कोयले की कमी से 3,000 मेगावाट बिजली इस समय उत्पादित हो पा रही है। ऐसे में 1,000 से 1,500 मेगावाट तक की कटौती की जा रही है, जिसकी वजह कोयले की कमी माना जा रहा है। पंजाब केसरी TV के ललीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।